बिना मिक्सर के कैसे मसाला पीसा जाता है यहाँ पे प्रयागराज में। स्टूडेंट ऐसे ही जब बनाते हैं कुछ मसाला वाला चीज़, जैसे मशरूम हुआ, तब ऐसे ही पूरा इस मसाला पीसा जाता है और फिर इसके बाद तेल में डाला जाता है। प्याज को सीटी मनाने के बाद इसको एकदम मध्यम आंच में पूरा इसको एकदम जब तक लाल ना हो जाए तब तक इसको हम लोग इसको भूनते रहते हैं। जैसे पूरा देखने में लाल होने वाला है और जितना लाल हो जाएगा उतना ही टेस्टी पड़ेगा। और जिसको इसमें सारा मसाला मिला हुआ है गरम गरम सब, जैसे पक जाएगा इसके बाद इसमें अब हम मसाला डालेंगे। मशरूम उबालने के बाद इसको फाकी फाकी एकदम अच्छे से काट देते हैं, क्योंकि इस बार टाइट होता है इसलिए इसको उबाला जाता है, बिना उबाले सब्जी नहीं बनती इसकी। इसको कई फाकी हम काट देते हैं, मतलब एक मशरूम को दो भाग करें। देखिए ये दो भाग हुआ, इसके बाद 1 2 3 फिर 1 2 3 3 भाग कर देंगे। धीरे धीरे ऐसे पूरा हम इसको काट देते हैं, क्योंकि मिक्स जब होगा तो भी इसका स्वाद देखिएगा कितना अच्छा आता है। इसको हम लोग पूरा काट चुके हैं, ऐसे रहता है, ख़राब है, इसको निकाल सकते हैं। और देखिए प्याज एकदम अच्छी तरीके से लाल हो चुकी है। अब इसके बाद हम मसाला को डालते हैं, मेरा मीट मसाला हमारा और खड़ा मसाला डाल चुके हैं पहले से ही। इसको हम इसमें डाल देते हैं मीट मसाले को अच्छे ढंग से, इसको हम 2 मिनट पका देते हैं। इसको डाल के इसको 2 मिनट पका देते हैं। ये मसाला एकदम भून जा चुका है, इसको इसे मशरूम को हम डालते हैं पूरा, इतना मशरूम है पूरा इसको डाल देते हैं अच्छे तरीके से। मशरूम को हम लोग डाल दिए और हम लोग इसको पूरा चला देते हैं अच्छे तरीके से। मसाला मिक्स हो गया, मसाला हमारा मिक्स हो गया। इसके बाद हमारा मटर है, मटर पूरा डाल देते हैं इसमें, टमाटर ऑलरेडी बहुत महंगा है इसको डालने के लिए। इसको एकदम मिक्स कर दिए हैं, इसके बाद इसमें नमक मिला सकते हैं हम लोग, नमक थोड़ा सा मिला के। वह देखिए एकदम अच्छे तरीके से भूजा जा चुका है एकदम अच्छे तरीके से। इसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिला दीजिए, इसमें इतना पानी आपको चाहिए इतना, कोई बहुत ज़्यादा रस्ता खाता है कोई ऐसा है उसके अनुसार इसको पानी मिला दीजिए थोड़ा सा और पानी इसमें। बस मशरूम आपका लग चुका, थोड़ा सा हीट हो जाए बस हो गया। इसके बाद इसको आराम से ढक्कन लगाइए, बंद कर दीजिए। अभी मशरूम हमारा पक चुका है और इसमें हम ऑलरेडी धनिया पहले से लाए थे, अब इसको चला देते हैं। और आप देख सकते हैं अच्छा खासा मशरूम हो गया है। इसको खाने मतलब कि आप 3 दिन तक कोई प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो आपका प्रोटीन का काम कर जाता है। तो इसको निकालते हैं, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं है, हिसाब से ग्रेवी बनाया गया है ठीक ठाक। इसको निकाल देते हैं, बस सलाद कटेगा इसके बाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक अच्छी टेस्टी मशरूम बन जाती है। इसको टेस्ट करके देखते हैं तो कितना अच्छा टेस्ट भी इसका है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है।